हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टुडे आई विल डिस्कस मैथमेटिकल रीजनिंग ठीक है ऑलरेडी आई डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बारे में मैंने डिस्कशन किया था क्या था आपका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है एक था मैथमेटिकल स्टेटमेंट ठीक है और स्टेटमेंट क्या है प्रोपोजिशन क्या है ठीक है एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है यू गेटिंग माई पॉइंट कनेक्टर्स कंपाउंड स्टेटमेंट निगेशन कंजक्शन डिसजंक्शन ठीक है ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कशन किए थे और इसका ट्रूथ टेबल भी मैंने बनाए थे ठीक है आज एक खास इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इम्प्लीकेशन क्या है ठीक है इम्प्लीकेशन और उसका बोल सकते क्या है कंडीशनल गेटिंग माई पॉइंट कंडीशनल और इम्प्लीकेशन आप बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन क्या है आपको इम्प्लीकेशन और कंडीशनल किससे यूज करेंगे ठीक है दैट इज मान लो ए ए प्रोपोजिशन ठीक है ए प्रोपोजिशन ऑफ द टाइप ठीक है ऑफ द टाइप टाइप दैट इज इफ पी Then Q, it's called it's called a conditional, ठीक है कंडीशनल क्या है कंडीशनल और implication ध्यान से देखो ये प्रोपोजिशन दैट मीन्स प्रोपोजिशन मतलब क्या है एक स्टेटमेंट है ठीक है जो भी एक स्टेटमेंट आप बोल सकते ठीक है ये प्रोपोजिशन ऑफ द टाइप इफ P then Q तो जो स्टेटमेंट आगे में ठीक है स्टेटमेंट आगे में इफ और उसके बाद में देन ऐड करेंगे तो उसका आपको क्या कहेंगे कंडीशनल बोलेंगे ठीक है कंडीशनल स्टेटमेंट तो है ठीक है तो इम्प्लीकेशन है आर यू गेटिंग माई पॉइंट उसका सिंबल क्या है दिन सिंबल सिंबल ऑफ द कंडीशनल और इम्प्लीकेशन दैट इज पी आर ओ क्यू इसको इसको डिनोटेड एज दो आर ओ ठीक है दैट इज पी कंडीशनल क्यू रीड एज पी कंडीशनल क्यू और पी इम्प्लीकेशन क्यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट और इसका और भी एक नाम है कंक्लूजन है हाइपोथेसिस है ठीक है इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है चलो दिस इसका डेफिनेशन ठीक है ए कंडीशनल आप लिख सकते हैं ए कंडीशनल कंडिशनल दिस इज द पी कंडीशनल क्यू दैट इज पी इंप्लीकेशन क्यू इज फॉल्स ठीक है इज फॉल्स ओनली वैन पी इज ट्रू क्या है पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स क्यू इज फॉल्स ओके इन ऑल अदर केसेस इन ऑल अदर केसेस ठीक है अदर केसेस इट इज ट्रू इट इज क्या है ट्रू ध्यान से देखो ए कंडिशनल दट इज पी कंडिशनल क्यू इज फॉल्स वन इट इज फॉल्स वन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स जो पी इज ए ट्रू एंड क्यू इज ए फॉल्स ठीक है दिस इज द रिजल्ट कितना आएगा फॉल्स यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है इन अदर केस इन अदर केस इट इज ट्रू और जितना भी केस आएगा यहाँ पे आपका जो रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पे ट्रू आएगा ठीक है चलो मैंने एग्जाम्पल बारे में समझा रहा हूँ ठीक है एक एग्जाम्पल एक देखो एक एग्जाम्पल एक एक में पी सच दैट दैटी एज पी सच दैट मान लो जुगुन ठीक है जुगन हाज जुगुन हाज टेन रुपीस क्या है टेन रुपीस ठीक है जुगुन हाज टेन रुपीस जुगुन का पास कितना है टेन रुपीस है ठीक है और क्यों सच दैट सी विल बाय ठीक है सी विल बाय बाय ए बॉटल ऑफ जाम ठीक है ए बॉटल ऑफ जाम गेटिंग माई पॉइंट सी विल बाय ए बॉटल ऑफ जैम इसको पी कंडीशनल क्यू में कैसे लिख सकते लुक लुकड हियर दट इज पी कंडीशनल क्यू ये तो जुगुन बोल दिया पी स्टेटमेंट बोला आपको जुगुन हज ए टेन रुपीज ठीक है एंड क्यू स्टेटमेंट बोला क्या सी ऑफ जैम क्या है बॉटल ऑफ जैम दू कैन राइट पी कंडीशनल क्यू में कैसे लिखेगा That is, look at this, if, if Jugun, Jugun has 10 rupees, okay, if Jugun has 10 rupees, then, then she will buy, she will buy a bottle of jam, okay, she will buy a bottle of, जाम आर गेटिंग माई पॉइंट मैंने बोला था इसका डेफिनेशन क्या है उसके आगे में क्या करना पड़ेगा पी जो है पी का आगे में क्या करना पड़ेगा आपको इफ और देन क्यू ये आपका स्टेटमेंट था ठीक है तो इफ देन यूज करके आपको कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है दैट इज यहाँ पे देखो इफ जुगुन हज टेन रुपीज देन सी विल बाय ए बॉटल ऑफ जाम दैट मीन्स दिस इज अ पी है येस दिस इज अ पी एंड दिस इज अव आर रिगेटिंग माई पॉइंट ठीक है दिस इज दी एंड क्यू देखो पी के आगे क्या है इफ ठीक है और इस पी के बाद क्या है देन ठीक है चलो इसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा ठीक है ट्रूथ टेबुल बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा ठीक है और आपका जो सारे डाउट है सब क्लियर हो जाएगा ठीक है दैट इज लुक एट दिस दिस इज पी दिस इज क्यू ठीक है आपको क्या करना पड़ेगा पी कंडीशनल क्यू ठीक है पी कंडीशनल क्यू ओके और आप उसको बोल सकते क्या है इम्प्लीकेशन पी इंप्लीकेशन क्यू लुक एट दिस ट इज आपको मालूम है ट्रू ट्रू ठीक है ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ये आपका जो पी एंड क्यू है ये सर नो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ठीक है दैट इज पी कंडीशनल क्यू ध्यान से देखो पी कंडीशनल क्यू कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा ध्यान से देखो पी कॉन्डिशनल क्यू इज फॉल्स ओनली वन पी इज ट्रू जो पी जो बोल रहे हैं पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स ठीक है पी इज ट्रू पी ट्रू है एंड क्यू इज फॉल्स इनकेस में क्या रिजल्ट आएगा आपको फॉल्स आएगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट देखो पी इज ट्रू लुका डिश यहाँ पे पी ट्रू कहाँ पर है यहाँ पर ट्रू है और क्यू क्या है फॉल्स है इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा

पहला जो स्टेटमेंट है ट्रू सेकंड जो स्टेटमेंट है फॉल्स दैट इज यू विल गेट द रिजल्ट फॉल्स और अदर टर्म जितना मिलेगा आपको दिस इज द ट्रू ओके दिस इज द इम्प्लीकेशन और कंडीशनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ठीक है इसको ले कर बहुत सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे ओके नाउ बाई कंडीशनल क्या होता है व्हाट इज द बाई कंडीशनल ठीक है और इसको भी आप बोल सकते हैं इक्वेलेंस ओके इसका और एक नेम है से चलो इसके स्टेटमेंट बारे में हम डिस्कशन करेंगे ठीक है स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म ठीक है ऑफ द फॉर्म दट इज पी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ क्यू ठीक है लुक दिस स्टेटमेंट क्या बोल रहे भाई कंडीशनल का स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म पी इफ एंड ओनली इफ क्यू आर ए रिप्रेजेंटेड एज एज रिप्रेजेंटेड ठीक है रिप्रेजेंटेड एज पी बाय कंडीशनल क्यू ओके लुकडिस दिस दिस सिंबल इज बाय कंडीशनल है ठीक है उसका सिंबल क्या है इन सिंबल सिंबल क्या है सिंबल ऑफ बाई लुक एट दिस दिस इज आरो को दोनों साइड आप आरो कर सकते ठीक है ये एक लाइन है तो दैट इज लुक दिस। यहाँ पे पी कंडीशनल क्यू है लुक दिस। सपोज मैंने यहाँ पे क्या आएगा दैट इज क्यू कंडीशनल पी है और यहाँ पे कितना जाएगा पी कंडीशनल क्यू है दोनों जो एरो ओ आएगा दोनों जो आर ओ पॉइंट हैं ठीक है उसको आप कंडीशनल सिंबल बोल सकते ठीक है दैट इज और उसको भी आप बोल सकते क्या है दैट इज द कंडीशनल बाय कंडीशनल है दैट इज यू कैन राइट पी बाय कंडीशनल क्यू ठीक है दैट इज पी बाय कंडीशनल क्यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट दैट इज यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है आपको जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट में आपको देखना पड़ेगा क्या लिखा है इफ एंड ठीक है इफ एंड इफ एंड ओनली इफ आर यू गेटिंग माई पॉइंट और कभी कभी आपको आई एफ एफ दिखाई देता है क्या है आई एफ एफ ठीक है दिस द बाई कंडीशनल है और इसको भी आप बोल सकते क्या इसका जो कंडीशन है ये जो बाई कंडीशनल सिंबल है उसको भी आप रीड सकते क्या है क्या रीड सकते इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय क्यू ठीक है पी इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय क्यू ठीक है दैट इज आप बोल सकते पी इम्प्लाइज ध्यान से देखो पी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड ठीक है इम्प्लाइड बाय क्या है क्यू रीड एज दिस आर यू गेटिंग माई पॉइंट दैट इज फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखो ए ट्रैंगल ए ट्रैंगल इज इक्वलैटरल इक्वलैटरल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली

दैट इज पी कंडीशनल क्यू ठीक है एंड एंड क्यू कंडीशनल पी ध्यान से देखो ये ट्राइंगल इज इक्वलैट्रल इफ एंड ओनली इफ ऑल दंगल्स आर इक्वल ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू यस आर नो दट इज द इक्वल एंड दट इज पी बाई कंडीशनल क्यू है ध्यान से देखो पी बाई कंडीशनल क्यू है दैट इज इज पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी ये सर नो ये जो स्टेटमेंट है बाई कंडीशनल है दट इज पी कॉन्डिशनल क्यू है एंड क्यू कंडीशनल पी है आर रिगेटिंग माई पॉइंट ठीक है इसका लेकिन ट्रूथ टेबुल बनाना पड़ेगा आपको दैट इज लुग ट्रूथ टेबुल ट्रूथ टेबल ध्यान से देखो ठीक है दट इज ये आपका ट्रू ट्रेबल है दैट इज पी और क्यू ठीक है पी क्यू दिस आपको क्या चाहिए यहाँ पे पी बाई कंडीशनल क्यू पी बाई कंडीशनल क्यू को आप कैसे लिख सकते हैं दैट इज पी कंडीशनल क्यू पहले यस और नो दैट इज क्यू कंडीशनल पी यस उसके बाद क्या आएगा पी बाई कंडीशनल क्यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स ठीक है दैट इज पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी दिस इज द पी बाई कंडीशनल क्यू है ठीक है दैट इज ऑलरेडी आपको मालूम है पी एंड क्यू का वैल्यू क्या है ठीक है दैट इज द ट्रू ट्रू ठीक है ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ठीक है दिस इज द फॉल्स एंड फॉल्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट ट्रू ट्रू टी 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 एफ एफ टी एंड एफ एफ यस लुक एट दिस पी कंडीशनल क्यू पी कंडीशनल क्यू में क्या था आपका स्टेटमेंट मैंने बोला था अभी पी कंडीशनल क्यू में स्टेटमेंट था दैट इज पी कंडीशनल क्यू कब फॉल्स होगा दैट इज पी इज ट्रू लुक एट दिस यहाँ पे पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स पी इज ए ट्रू एट दिस यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है ये स्टेटमेंट आएगा क्या है फॉल्स है और बाकी सारा जितना भी टर्म है कितना आ जाएगा दैट इज द ट्रू 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 आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है ना इन डिस क्यू कंडीशनल पी तो आपका स्टेटमेंट क्या है क्यू में ट्रू है और पी में फॉल्स है लुकोडिस क्यू ट्रू क्यू ट्रू हुआ यहां पर फॉल्स है ठीक है ये जो स्टेटमेंट आएगा ये आपका आएगा फॉल्स और बाकी सारा जितना भी टर्म है कितना आ जाएगा ट्रू आ जाएगा आर यू क्लियर पी बाई कंडीशनल क्यू लुक डिस पी कंडीशनल q एंड क्यू कॉन्डिशनल पी दट इज p by conditional q है ठीक है पी बाई कंडीशनल क्यू रिगेटिंग माई पॉइंट दैट इज कैसे बनाएंगे आप मान लो यहाँ पे दोनों ट्रू जो है ठीक है दोनों ट्रू है तो रिजल्ट कितना आ जाएगा ट्रू आएगा यस ठीक है और यहाँ पे दोनों ट्रू है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ट्रू है ठीक है और दोनों कितना आ जाएगा फॉल्स ठीक है दोनों वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा ये सनो दिस इज द बाइक कंडीशनर का ट्रूथ टेबल है ठीक है दिस इज द बाई कंडीशनर का ट्रूथ टेबल आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है इसको रिमार्क करो नोट बना लो इसको ठीक है नोट वन टू कंपोजिट कंपोजिट प्रोपोजिशन ठीक है इसको नोट बना लो आप वन टू कंपोजिट कंपोजिट प्रोपोजिशन क्या है टू कंपोजिट प्रोपोजिशन from out of the same prime okay from out of the same prime okay same prime components have the same prime components components have the same truth सेम ट्रूथ ठीक है सेम ट्रूथ वैल्यू फॉर इच्स पॉसिबल ठीक है फॉर इच्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रूथ वैल्यू क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दे आर प्राइम कॉम्पोनेंट्स ऑफ दे आर प्राइम कॉम्पोनेंट्स ठीक है कंपोनेंट्स वी कॉल द इक्वेलेंट वी कॉल द इक्वेलेंट क्या है इक्वेलेंट ठीक है दट इज वी कैन राइट पी इक्वेलेंट पी टू पी वन इकोवेल्ट पी टू और इसका आप लिख सकते क्या है पी वन क्या है बाई कंडीशनल पी टू मैंने बोला दैट इज द बाई कंडीशनल है बाई कंडीशनल का और एक नेम है क्या है इकोवलट है ओके दैट इज लिसन हु टू कंपोजिट लुक एट दिस एन टू कंपोजिट प्रोपोजिशन फॉर्म आउट ऑफ द सेम प्राइम ठीक है सेम प्राइम कंपोनेंट्स हैव सेम ट्रूथ वैल्यू लुक हैव सेम कंपोनेंट एंड सेम ट्रूथ वैल्यू ठीक है सेम ट्रूथ वैल्यू फॉर इच पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दे आर प्राइम कंपोनेंट्स वी कॉल दैट इक्विवेलेंट और बाई कंडीशनल आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है तो दोनों आपका ट्रू वैल्यू आएगा तो ठीक है तो रिजल्ट कितना आ जाएगा ट्रू ये और नो तो दोनों ट्रू आएगा तो रिजल्ट आपका कितना मिल जाएगा ट्रू ठीक है दैट इज द पी ट्रू एंड क्यू ट्रू दैट इज द रिजल्ट कितना देगा वाई कंडीशनल का ट्रू है ठीक है सपोज ट्रू और फॉल्स आएगा ठीक है ट्रू और फॉल्स आएगा तो रिजल्ट आपको कितना मिलेगा फॉल्स एंड फॉल्स एंड ट्रू आएगा दैट इज द रिजल्ट कितना मिलेगा फॉल्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है दिस इज योर बाई कंडीशनल का स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल्स ओके ना डी मार्गन्स लॉ ठीक है फोर्ट एज डी मार्गन्स लॉ डी मार्गन्स लॉ में सेट थ्योरी में इसका बेसिक कंसेप्ट है ठीक है जब आपका सेट थ्योरी जो चैप्टर है डी मार्गन्स का जो लॉ है तो इसका प्रूफ भी है ठीक है डी मर्गन को कैसे प्रूफ करेंगे ये क्या है ठीक है दैट इज यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल बात मैंने बोल रहा हूँ ध्यान से देखो दैट इज द पॉइंट वन पी और क्यू ठीक है दैट इज पी और क्यू ये आपका कॉम्प्लीमेंट है ठीक है दैट इज जब डी मॉर्गन से रूल अप्लाई करेंगे जो लॉ अप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा दैट इज पी कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट पी कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट ठीक है और पी एंड क्यू ठीक है पी एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट ठीक है इसका रिजल्ट कितना देगा दैट इज पी कम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट रिगार्डिंग माई पॉइंट टू स्टेटमेंट आर सेड टू बी इक्वेल्ट इफ दे आर टू टू वैल्यू आर सेम ठीक है यहाँ पे जो डिमार्गन्स रूल है डीमार्गन्स जो लॉ है यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है दैट इज टू स्टेटमेंट आर सेट टू बी इको ऑफ दर ट्रूथ वैल्यू आर सेम आर यू गेटिंग माई पॉइंट अब यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है दैट इज टू स्टेटमेंट्स ठीक है टू स्टेटमेंट्स आर सेट आर सेट टू बी इक्वलेंट क्या है इक्वलेंट इफ दे आर ट्रूथ वैल्यू इफ दे आर ट्रूथ वैल्यू आर सेम क्या है सेम है ठीक है और एक डिमर्गन्स का लॉ में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू ठीक है लुक एट दिस दैट इज पी और R, look at this, P और Q एंड R, that is, इसका ऑफ लेख शक्त क्या है देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ठीक तो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे रूल लगाना पड़ेगा लोकोडिस पी और क्यू यस पी और क्यू ठीक है एंड yes. क्या आएगा पी और आर लुकोडिस पी और क्यू एंड आर ठीक है इज इक्वल टू पी और क्यू एंड पी और आर ठीक है दैट इज और क्या है दट इज पी एंड क्यू और आर इज इक्वल टू पी और क्यू ठीक है और पी और आर ये दोनों जो पॉइंट है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका प्रूव सेट एंड थियोरी में है ठीक है दैट इज पी और क्यू एंड आर इज इक्वल टू पी और क्यू एंड पी और आर ठीक है एंड पी एंड क्यू और आर दैट इज पी एंड क्यू और पी एंड आर ये दोनों क्या है डिमोरगंस लॉ है ठीक है डी मरगन्स लॉ ना नेक्स्ट कॉन्वर्स क्या है ठीक है कॉन्वर्स ठीक है कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव कॉन्ट्राडिक्शन ये सब क्या है ठीक है ना डाउन कॉन्वर्स वर्स का डेफिनेशन क्या है ठीक है कॉन्वर्स ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट ठीक है कॉन्वर्स आप लिख सकते हैं, कॉन्वर्स कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल क्या है ऑफ द कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट ठीक है कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इज आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बारे में मालूम है दैट इज पी कंडीशनल क्यू इज क्यू कंडीशनल पी ठीक है पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी ठीक है दैट इज लुक एट दिस इफ इफ फॉर एग्जांपल ठीक है इफ पी देन क्यू लुक एट दिस इफ पी देन क्यू इफ क्यू देन पी ये सन न दिस इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी ये दोनों में डिफरेंस देखो क्या हो रहा है इज यहां पे जो डिफरेंस हो रहा है ये आपका कॉन्वर्स है आ रिगेटिंग माई पॉइंट ठीक है दैट इज दिस दैट इज पी इफ पी कन्वर्स का जो डेफिनेशन आपको मालूम है इफ एंड देन है दैट इज पी पी इफ देन क्यू एंड इसका कितना आ जाएगा इफ क्यू देन पी जो उल्टा है ठीक है दैट मीन्स और एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं देखो दैट इज इफ और एक एग्जाम्पल इफ एक्स इज एन इविन नंबर एक्स इज एन इविन नंबर क्या है इविन नंबर बी ठीक है एक्स स्क्वायर उल बी एन इवेन नंबर एन इविन नंबर आर यू गेटिंग माई पॉइंट इविन नंबर देन एक्से स्क्र उल बी एन इवेन नंबर उसका कॉन्वर्स कैसा आएगा कॉन्वर्स उसको कैसे लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट को आप कॉन्वर्स में कैसे लिख सकते हैं? देखो कॉन्वर्स ठीक है कॉन्वर्स आप लिख सकते हैं यहां इफ एक्स स्क्वायर इज एन इवन नंबर ठीक है इज एन इवन नंबर देन एक्स विल बी

इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी दिस कॉन्वर्स का एग्जाम्पल है कन्वर्स जो स्टेटमेंट है ए कन्वर्स ऑफ ए कंडिशनल स्टेटमेंट अब ध्यान से कोई पूछेगा आपको कॉन्वर्स क्या है आप डायरेक्ट उसका बोल दीजिए सर कॉन्वर्स इज ए कंडिशनल स्टेटमेंट है ठीक है क्या है कंडिशनल स्टेटमेंट ओके कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ठीक है वॉट इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज इसका डेफिनेशन क्या है दैट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव पॉजिटिव ऑफ पी कंडीशनल क्यू इज डिस्टोनिगेशन है नॉट क्यू कॉन्डिशनल पी ठीक है नॉट क्यू कॉन्डिशनल पी ओके दट इज लुकाडिस्ट यहाँ पे जो स्टेटमेंट है लुकोडिस्ट दट इज यहां पर कॉन्डिशनल स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा आपको दट इज फॉर द एग्जाम्पल इफ पी देन क्यू ठीक है इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी क्या था ये आपका था कॉन्वर्स है ठीक है यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे आएगा इफ पी देन क्यू इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे आएगा दैट इज इफ नॉट क्यू ठीक है इफ़ नॉट क्यू देन देन नॉट पी ओके आर यू क्लियर आर यू गेटिंग माई पॉइंट यहां पे नॉट क्यू देन नॉट पी ठीक है नॉट क्यू एंड नॉट पी ओके और और एक एग्जांपल ठीक है इफ एक्स इज एन इवेन नंबर ठीक है एक्स इज एन इविन नंबर बी एन इविन नंबर क्या है इविन नंबर ठीक है x स्क्वायर इज एन इज विल बी इन एन इविन नंबर ठीक है उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है इफ लुक एट दिस इफ एक्सक्र इज नॉट नॉट एन इवेन नंबर ठीक है इविन नंबर इवेन नंबर बी नॉट बी एंड इवेन नंबर क्या है इवेन नंबर आर यू गेटिंग माई पॉइंट कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या है दैट इज पी कंडीशनल क्यू लू का डिस्टेटमेंट पी कंडीशनल क्यू इज नॉट क्यू कंडीशनल पी ठीक है नॉट क्यू कंडीशनल पी दिस इज द कंट्रा पॉजिटिव है आर यू गेटिंग माय पॉइंट दिस इज द कंट्रा पॉजिटिव चलो एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको कंट्रा पॉजिटिव में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा दैट इज लुक डिस इफ पी इफ पी देन क्यू ठीक है इफ पी देन q and it's contrapositive and it's contrapositive contrapositive will have the same will have the same truth values yes truth values same truth values okay that is you can draw the tree table ओके दैट इज दिस इज अ पी दिस इज अ क्यू ओके एंड निगेशन ऑफ पी दैट इज नॉट पी एंड नॉट क्यू ठीक है एंड पी कंडीशनल क्यू ठीक है पी कंडीशनल क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल निगेशन ऑफ पी ये आपका जो है कंट्रा पॉजिटिव है ठीक है ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव का स्टेटमेंट है ठीक है निगेशन ऑफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी दिस इज द कंडीशनल जो है ठीक है दैट इज वी कैन राइट लुक दिस। आपको मालूम है पी क्यू के वैल्यू कितना है टी 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 एफ एफ टी एंड एफ एफ ये सर न no? ट्रू फॉल्स ठीक है ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स निगेशन ऑफ पी दिस, नॉट पी दैट मीन्स यहाँ पे ट्रू होगा तो यहाँ पे फॉल्स होगा यस yes. यहाँ पे ट्रू होगा तो यहाँ पे फॉल्स है यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू है यस yes. आपको मालूम है ये सर नो नेक्स्ट निगेशन ऑफ क्यू यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू और जो अपोजिट है ठीक है ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू ठीक है नाउ पी कंडीशनल क्यू ठीक है पी कंडीशनल ट्रू यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो दैट इज यहाँ पे आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ठीक है दैट इज लुक एट दिस निगेशन ऑफ क्यू ठीक है निगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल निगेशन ऑफ पी दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू एंड ट्रू ठीक है ये दोनों में क्या नोटिस कर रहे हैं देखो ये तो दो दोनों लाइन है ठीक है ये दोनों में आप क्या नोटिस कर रहे हैं लुको डिस्ट ट्री ट्री एफ एफ टी 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 ये सो नो टी टी एफ एफ टी एफ एफ टी एंड एफ ये एफ, एव एव एफ ती ती ये एग्जैक्टली सेम ये सो नो एग्जैक्टली सेम है आर यू गेटिंग माई पॉइंट दैट इज आप इसको लिख सकते क्या है पी कंडीशनल क्यू इक्विवेलेंट ठीक है पी कंडीशनल क्यू इक्विवेलेंट एक्जैक्टली सेम exactly है ये दोनों जो लाइन है एग्जैक्टली क्या है सेम है ठीक है विशिष्ट लॉजिकली इक्वेलन टे ध्यान से देखो ये दोनों जो लाइन है विशिष्ट लॉजिकली इकोवल्टे दैट मीन्स पी कंडीशनल क्यू लुका डिस पी कंडीशनल क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल निगेशन ऑफ पी ये दोनों का क्या है लॉजिकल इक्वेलेंट है आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये यह दोनों लॉजिकल ठीक है इक्वेलेंट है रिगेटिंग माई पॉइंट ठीक है ये था आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ओके नज क्या है ठीक है टोटोलिज टिज का स्टेटमेंट क्या है स्टेटमेंट ठीक है स्टेटमेंट स्टेटमेंट इट्स सेट टू बी इट्स सेट टू बी टटोलॉजी ठीक है टटोलॉजी इफ इट इज ऑलवेज ट्रू इफ इट इज ऑलवेज ट्रू ओके okay, ये आपका स्टेटमेंट है टोटोलॉजी का स्टेटमेंट है क्या है स्टेटमेंट इज सेट टू बी टोटोलॉजी इफ इट इज ऑलवेज ट्रू ये हमेशा ही ट्रू रहेगा ठीक है जो पी एक स्टेटमेंट दिया क्यू एक स्टेटमेंट दिया ये कौन सा बातों में कुछ भी फॉल्स है कुछ स्टेटमेंट है उसको कुछ भी नहीं जानते ठीक है दैट इज आप डायरेक्ट लगेंगे जो टॉटोलॉजी आपको निकल सकता है दैट इज ऑलवेज ट्रू है आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑलवेज ट्रू फॉर एग्जाम्पल चलो एग्जाम्पल क्या है दैट इज पी एंड नॉट पी ठीक है पी एंड नॉट पी इज ए टोलॉजी इज ए टोलॉजी टटोलॉजी एंड पी बीग लॉजिकल स्टेटमेंट क्या है लॉजिकल स्टेटमेंट ठीक है लॉजिकल स्टेटमेंट ठीक है चलो ट्रूथ टेबल बना के समझा देने गए आपको ठीक है दैट इज दिस इज लुक एट दिस दिस इज पी ठीक है एंड नॉट पी एंड पी ठीक है पी एंड नॉट पी एस पी एंड नॉट पी ठीक है दैट इज आपको मालूम है दिस ट्रू ट्रू यस दिस फॉल्स आपको मालूम है ट्रू और फॉल्स ध्यान से देखो जब पी ट्रू हुआ ट्रू है तो क्यों निगेशन ऑफ पी कितना आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ट्रू आ जाएगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट दैट इज यहाँ पे टोटोलॉजी का डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं आपको ये इट इज ऑलवेज ट्रू ठीक है दैट इज पी एंड निगेशन ऑफ पी जो भी स्टेटमेंट आएगा जो भी रिजल्ट आएगा ठीक है ये ऑलवेज ट्रू ही आएगा ठीक है फॉल्स नहीं आएगा ठीक है ऑलवेज ट्रू है ठीक है दैट इज पी निगेशन ऑफ पी एंड पी कंडीशनल पी एंड निगेशन ऑफ पी देखो ट्रू फॉल्स है यहाँ पे स्टेटमेंट कितना आ गया ट्रू आ गया यहाँ पे फॉल्स ट्रू है तो रिजल्ट कितना आ गया ट्रू आ गया इट इज ऑलवेज ट्रू जिसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा ही है ट्रूथ तो ट्रूथ ही आएगा ठीक है दैट इज द ट्रूथ ही रिजल्ट आएगा आपको ठीक है नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन और उसका और एक नेम है फलासिस क्या है फलासिस फलासिस कॉन्ट्राडिक्शन और फ्लास इसका डेफिनेशन क्या है स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट ठीक है स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन इफ इट इच ऑलोज इफ इट इज ऑलवेज ऑलवेज फॉल्स क्या है फॉल्स ध्यान से सुनो ठीक है स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन आप किसको बोल सकते दैट इज इफ इट इज ऑलवेज फॉल्स जो स्टेटमेंट है जो रिजल्ट आपको मिलेगा ऑलवेज फॉल्स ठीक है ऑलवेज फॉल्स दैट इज यू कैन राइट लुक एट दिस पे ध्यान से देखो यहाँ पे और है सरी में गलत में डाल दिया यहाँ पे और ठीक है यहाँ पे और ठीक है ये दोनों और है ठीक है और ये क्या है एंड, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल पी एंड निगेशन ऑफ पी ठीक है पी एंड निगेशन ऑफ पी इज फलैसिस ठीक है फलैसिस पी बिंग एनी लॉजिकल स्टेटमेंट बिंग एनी लॉजिकल स्टेटमेंट ये क्या है एन लॉजिकल स्टेटमेंट है चलो ट्रूथ टेबुल बनाना पड़ेगा आपको कैसे होगा ये दैट इज लुको डिस विशिष्ट पी विशिस्टा निगेशन ऑफ पी ठीक है पी एंड निगेशन ऑफ पी ठीक है पी एंड निगेशन ऑफ पी ठीक है स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कॉन्ट्रोडिक्शन इफ़ इट इज ऑलवेज फॉल्स क्या है इफ़ इट इज ऑलवेज फॉल्स दैट इज यू कैन राइट आपको मालूम है ट्रू और फॉल्स है ठीक तो, है यहाँ पे ट्रू होगा तो निगेशन ऑफ पी कितना जाएगा फॉल्स आ जाएगा जब फॉल्स है तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा ट्रू आ जाएगा ये कितना आ जाएगा दैट इज ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं हमेशा ही फॉल्स ही आएगा ठीक है हमेशा ही फॉल्स ही आएगा गेटिंग माई पॉइंट हमेशा ही फॉल्स वैल्यू आएगा जो कॉन्ट्राडिक्शन और फैलासिस में ठीक है नाउ क्वांटिफायर क्या है क्वांटिफायर्स ठीक है क्वांटिफायर्स ठीक है उसका डेफिनेशन क्या है क्वांटिफायर्स का द क्वांटिफायर्स आर फ्रेजेस लाइक दे आर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल ठीक है लाइक दे आर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल इसका डेफिनेशन क्या है क्वांटिफायर्स क्वांटिफायर्स आर फ्रेजेस फ्रेजेस लाइक दे एग्जिस्ट ठीक है दे आर एग्जिस्ट दे आर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल क्या है फॉर ऑल और इसका भी आप बोल सकते क्या है फॉर एवरी ठीक है फॉर एवरी ठीक है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वांटिफायर्स। ठीक है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द क्वांटिफायर्स। टिंग माई पॉइंट दट इज फॉर एग्जाम्पल लुकाडिश ट्वेंटी फर्स्ट का एग्जाम्पल क्या है दटेस्ट लुकाडिश वी नो दैट फॉर एवरी ओल्ड नंबर ठीक है वी नो दैट वी नो दैट नो दैट फॉर एवरी ऑर्ड नंबर क्या है ऑर्ड नंबर एवरी ऑर्ड नंबर इज ऑल्सो ऑर्ड ठीक है इज ऑल्सो ऑर्ड क्या है ऑल्सो ऑट एंड बाईस वर्ष ठीक है जो बाईस वर्ष स्टेटमेंट है दिस एक्सप्रेस्ड यूजिंग द यूनिवर्सल क्वान्टिफायर्स ओके दिस एक्सप्रेस्ड दिस एक्सप्रेस दिस इज एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड यूजिंग द यूनिवर्सल क्या है यूनिवर्सल ठीक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स आज दैट इज टू कैन राइट फॉर एन बिलोंग्स टू एन ठीक है एन बिलोंग्स टू एन दैट इज एन इज ऑट ओके ऑट बाई कंडीशनल एन इज ऑट यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्वान्टिफायर्स ओके और एक एग्जाम्पल मान लो फॉर्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर आर क्या है रियल नंबर है ठीक है दैट इज एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर दैट इज एक्स वाई इजकअल टू वाई एक्स एक्स वाई इजकअल टू वाई एक्स एंड और क्या लिख सकते हैं आप x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स ठीक है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स ठीक है लुक एट दिस क्वांटिफायर्स आर फ्रेजेस ध्यान से देखो क्वांटिफायर्स क्या है क्वांटिफायर्स आर फ्रेजेस लाइक दे आर एग्जिस्ट एग्जिस्ट दे आर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल आर यू गेटिंग मे पॉइंट दे आर एग्जिस्ट में यूज कर सकते हैं और फॉर ऑल एंड फॉर एवरी ठीक है दिस इज द क्वांटिफायर्स, ओके। क्वॉन्टिफायर्स निगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स क्या होता है ठीक है व्हाट इज द निगेशन ऑफ क्वांटिफायर? लुक दिस। एक स्टेटमेंट पी एक स्टेटमेंट पी आपको गिवेन देर इज एक्जिस्ट इन नंबर्स ठीक है देर इज एक्जिस्ट इन नंबर लिख सकते देर इज एक्जिस्ट ए नंबर्स इज इज इक्वल टू इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर इट्स स्क्वायर आपको क्या करना पड़ेगा निगेशन ऑफ क्वान्टिफायर को शो करना पड़ेगा ठीक yes no? है लुकडिस्ट दैर इज एक्जिस्ट ए नंबर हुई इज हुईच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर ये सन नो द्रू और फॉल्स ट्रू है आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लुक अट इज वन इज इक्वल टू वन स्क्सर ठीक है दट इज जीरो स्क्वाटिंग माई पॉइंट ठीक है एंड निगेशन ऑफ पी कितना जाएगा यहाँ पे निगेशन ऑफ पी ठीक है देर डज नॉट एग्जिस्ट क्या बोल रहे हैं आपको देयर डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है डज नॉट एग्जिस्ट ए नंबर ठीक है ए नंबर हुई इज व्च इज नॉट इक्वल ठीक हैच इज नॉट इक्वल ये आपका क्या है निगेशन ऑफ क्वान्टिफायरस का ठीक है दैट इज लोगार इज एक्जिस्ट ए नंबर हिच इज इक्वल टू ठीक है यहां पर देर इच डज नॉट एग्जिस्ट विच दर इच डज नॉट एग्जिस्ट है ठीक है नंबर ऑफ विच इज नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वास टू इट्स स्क्वास रिगेटिंग माई पॉइंट निगेशन आपको क्वॉन्टिफाइर क्या है और एक पॉइंट और एक पॉइंट मतलब P इज इक्वल टू P X स्टेटमेंट दिया आपको फॉर एवरी रियल नंबर एक्स ठीक है फॉर एवरी रियल नंबर ठीक so, है एवरी रियल नंबर एक्स ठीक है कम एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन ठीक है एक्स इज लेस देन एक्स प्लस वन इसका निगेशन ऑफ पी कितना आ जाएगा दैट इज निगेशन ऑफ पी इक्वल टू आ जाएगा आपका देर इज एक्जिस्ट ए नंबर ठीक है दर इज देर इज एक्जिस्ट एग्जिस्ट ए नंबर नंबर फॉर हुईज हुईज एक्स इज नॉट क्या है एक्स इज नॉट लेस देन ठीक है लेस देन एक्स प्लस वन ठीक है इज नॉट लेस देन एक्स प्लस वन आर यू गेटिंग माई पॉइंट ये आपका था निगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स ठीक है निगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ठीक है और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है दैट इज वैलिडिटी स्टेटमेंट क्या है वैलिडिटी, ठीक है वैलिडिटी स्टेटमेंट क्या है वैलिड स्टेटमेंट्स, वैलिडिटी ऑफ सॉरी वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स में क्या क्या है एक डायरेक्ट मेथड है बाय कंट्राडिक्शन है बाय काउंटर एग्जाम्पल है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड है गेटिंग माई पॉइंट राइट डाउन कौन कौन सा पॉइंट है पहला पॉइंट क्या है दैट इज एक डायरेक्ट मेथड ठीक है डायरेक्ट मेथड है जो वेलिडिट स्टेटमेंट में ठीक है डायरेक्ट मेथड सेकेंड क्या है बाय कॉन्ट्राडिक्शन बाय कंट्राडिक्शन थर्ड क्या है बाय काउंटर एग्जाम्पल क्या है काउंटर एग्जाम्पल ठीक है नेक्स्ट पॉइंट फोर में क्या है दैट इज कॉन्ट्रापॉजिटिव मेथड कॉन्ट्रापिटिव कंट्रापॉजिटिव मेथड ये फोर पॉइंट्स है वेलिडिट स्टेटमेंट में ये फोर पॉइंट है पहला पॉइंट क्या है डायरेक्ट मेथड है सेकंड पॉइंट क्या है बाय कंट्राडिक्शन है ध्यान से देखो बाय काउंटर एग्जाम्पल है ठीक है बाय काउंटर एग्जाम्पल है फोर्थ पॉइंट क्या है कंट्रा पॉजिटिव मेथड है ठीक है डायरेक्ट मेथड क्या है चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे रहा हूँ डायरेक्ट मेथड ठीक है डायरेक्ट मेथड क्या है मान लो सपोज गिवेन मान लो ईफ एक्स इजकल टू फाइव ठीक है एक्स इजक्ल टू फाइव दैन प्रूफ दैट देन प्रूफ दैट प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इजक्ल टू ट्वेंटी सिक्स ठीक है ये आपका डायरेक्ट मेथड का एग्जाम्पल है ठीक है इफ़ एक्स इजकल टू फाइव देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इजक्ल टू ट्वेंटी सिक्स ये किससे होगा दैट इज आपको गिवन है एक्स इजक्ल टू फाइव है दैट मीन्स यहाँ पे लुकअिस एक्स इजक्ल टू फाइव दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन इजक्ल टू ट्वेंटी सिक्स एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो फाइव स्क्वायर प्लस वन इजक्ल टू कितना है ट्वेंटी सिक्स दैट इज यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल ट्वेंटी सिक्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट इसको आप बोल सकते क्या है डायरेक्ट मेथड है ठीक है जो गिवन है आप प्रूव करके निकल दिया नहीं सर एक्स स्क्वायर प्लस वन इजकअल टू ट्वेंटी सिक्स ठीक है दिस इज योर डायरेक्ट मेथड है दिस इज वैलिड स्टेटमेंट है ओके नेक्स्ट क्या है दैट इज बाय कॉन्ट्राडिक्शन बाय कॉन्ट्राडिक्शन है कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जाम्पल क्या है आपका स्कूल लेवल में स्कूल स्टैंडर्ड में आपको मालूम है प्रूव प्रूफ किया था प्रूफ दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर क्या था रूट टू इज एन इरेशनल क्या है इरेशनल नंबर ये आपका स्कूल लेवल में प्रूफ किया था है कि नहीं हम भी प्रूफ किया थे आप भी प्रूफ किया थे ठीक है इसको क्या करना पड़ेगा इसको किससे प्रूफ करेंगे रूट टू इज ए इरेशनल नंबर इसको आपको अजिम करना पड़ेगा ठीक है तो अजिम करना पड़ेगा जो रूट टू इज ए इरेशनल नंबर है ठीक है आपको क्या करना पड़ेगा इसको अजिम करना पड़ेगा रूट टू इज इरेशनल नंबर है ध्यान से देखो ठीक है बट गिवेन आपको क्या करना पड़ेगा इरेशनल नंबर आपको प्रूफ है बट आपको रूट टू इज ए रेशनल नंबर अजिम करना पड़ेगा क्या है रेशनल नंबर ठीक है रेशनल नंबर दैट इज जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे जो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा फिर से रूट टू रेशनल नहीं है ठीक है बट आपको मालूम है रूट टू रेशनल नहीं है बट उसका आपको क्या करना पड़ेगा तो इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करके आपको कॉन्ट्राडिक्शन को शो करना पड़ेगा यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है नेक्स्ट क्या है भाई काउंटर एग्जाम्पल है थर्ड बिट क्या है काउंटर काउंटर एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल का क्या है दैट इज लुक एट दिस अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मालूम है जो भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया भी है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन पॉइंट रहे दैट इज ए बी सी एंड डी कितना है फोर ऑब्जेक्टिव फोर मल्टीपल चॉइस आपको गिवन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सपोर्स्ट मान लो अब स्टेटमेंट ए जो है ठीक है जो क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं अब बोल दे सर नहीं है ए पॉइंट ठीक है बी ठीक नहीं है सी ठीक नहीं है डी ठीक नहीं है ठीक है देखो ये जो चार ऑप्शन है कोई भी एक ठीक तो है ना है कि नहीं दैट मीन्स मान लो ए ठीक नहीं है बी ठीक नहीं? नहीं है सी ठीक नहीं है डी ठीक है, है क्या है डी ठीक है ठीक है ये जो ऑप्शन है ठीक है दिसिस्टा ए नहीं हो सकता बी नहीं हो सकता सी नहीं हो सकता ऑब्वियसली डी ही हो सकता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट कोई भी तो एक पॉइंट होगा ना नहीं होगा मान लो यहाँ पे वन टू थ्री यहाँ पे नॉन ऑफ दिस है तो नॉन ऑफ दिस पॉइंट भी आपको चूज करना पड़ेगा दिस इज दिसिस्टा काउंटर एग्जाम्पल है ठीक है नेक्स्ट क्या है कंट्रा पॉजिटिव मैथड्स कंट्रा पॉजिटिव ठीक है कंट्रा पॉजिटिव मेथड्स का एग्जाम्पल कंट्रा पॉजिटिव क्या है दैट इज दिस इफ पी देन क्यू क्या है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है ठीक है इफ पी देन क्यू इफ पी देन क्यू इफ निगेशन ऑफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड है ठीक है कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड है देखो इसको ले कि आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो रिजल्ट आएगा ये दोनों का सेम ही आएगा गेटिंग माई पॉइंट द इफ पी क्यू एंड इफ निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू ये दोनों कितना आ जाएगा सेम ही आएगा गेटिंग माई पॉइंट इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप है कि नहीं दिस इजा दोनों सेम आएगा दिस इजा कंट्रापोजिटिव मेथड है ठीक है ये था आपका क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिकल रीजनिंग है ठीक है तो बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग में मैंने आज टोटल आपको समझा दिया ठीक है आपको क्या करना पड़ेगा आपका टारगेट क्या है अभी ठीक है जितने भी सारे क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है यू ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम मैक्सिमम और मोर क्वेश्चन है ठीक है बिकॉज आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग तेज में से इतना ही काम करेगा ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको नोट बना लो ठीक है पहले आपको क्या करना है? जितना भी मैंने समझाया आपको उसका आप अच्छा सरत नोट बना लो तो फॉर्मूला को प्रैक्टिस कर लो ठीक है ठीक है फॉर्मूला को प्रैक्टिस कर लो और मल्टीप्लू भर्सन जो है मस्ट भी प्रैक्टिस कर लो ठीक है दैट इज इस इसका आपको क्या करना पड़ेगा जितना भी आईआईटी लेवल में क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा से आप ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है बिकॉज आई होप ऑल थियोरी आर क्लियर यस थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल प्लीज डू ए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट